सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। बीते दो महीनों से खाली पड़े नगर कौंसिल के उप प्रधान के पद के लिए आज वार्ड नंबर 24 के पार्षद अमनदीप सिंह नागी उप प्रधान चुन लिए गए। आज राजपुरा नगर कौंसिल के दफ्तर में SDM श्री संजीव कुमार की देखरेख में उप प्रधान पद के लिए बैठक रखी गई, जिसमें हल्का विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व हल्का घनौर के विधायक श्री मदनलाल जलालपुर भी मौजूद रहे। इस बैठक में दोनों राजपुरा व घनौर हल्के के विधायकों समेत 26 पार्षद हाजिर हुए। वार्ड नंबर 11 के पार्षद राकेश मेहता पहले ही पार्षद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। बैठक में हाजिरी लगवाने के बाद आजाद पार्षद श्री जगदीश कुमार जग्गा व उनकी धर्मपत्नी रंजना वर्मा उक्त बैठक को बाईकाट करके नगर कौंसिल दफ्तर से चले गए, जबकि बैठक में 3 भाजपा के 1 अकाली दल का पार्षद गैर हाजिर रहे। इस मौके पर नगर कौंसिल के उप प्रधान के पद के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 24 के पार्षद अमनदीप सिंह नागी के नाम को हल्का विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने पेश किया, जिसकी तहत वार्ड नंबर 3 के पार्षद राजीव कुमार DC द्वारा की गई। इस तरह अकाली दल भाजपा के सांझे उम्मीदवार और वार्ड नंबर 20 के पार्षद सिमरनजीत सिंह बिल्ला का नाम भाजपा के पार्षद सरदार हरदेव सिंह कंडेवाला ने पेश किया, और जिसकी तहत वार्ड नंबर 6 के पार्षद सरदार रंजीत सिंह राणा ने की। इस मौके पर दोनों उम्मीदवारों के हक में हाथ खड़े करवाए गए। पार्षद अमनदीप सिंह नागी के हक में 14 पार्षदों ने हाथ खड़े कर अपनी सहमति प्रकटाई, जबकि सिमरनजीत सिंह बिल्ला के हक में सिर्फ 8 पार्षदों ने ही हाथ खड़े किए। इस तरह SDM श्री संजीव कुमार ने अमनदीप सिंह नागी को नगर कौंसिल का उप प्रधान चुने जाने का ऐलान कर दिया। सरदार अमनदीप सिंह नागी के उप प्रधान चुने जाने के बाद हल्का विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व हल्का विधायक घनौर श्री मदनलाल जलालपुर समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने अमनदीप सिंह नागी को नगर कौंसिल का उप प्रधान चुने जाने फूलों के हार पहनाकर मुंह मीठा करवाया। इस मौके पर हल्का विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने News89 से बात करते हुए कहा कि प्रोग्राम बारे अज नगर पालिका राजपुरा की जिहड़ी उप प्रधान की चोण सी, उस चोण दे विच कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही वधिया तरीके दे नाल इस नूं जित प्राप्त कीती है। तो असी मेरे पूरे साथियों ने अते विशेष करके इहदे विच रोल श्री मदन लाल जी साढ़े जो MLA हन जलालपुर साहब घनौर तों, उन्हां दी भी वोट आ, उन्हां दा बड़ा वड्डा मतलब के रोल आ इस चोण दे विच। ते एक नौजवान जो साडा 24 नंबर वार्ड तो अमनदीप सिंह नागी है, उसनू जिहड़ा है उप प्रधान की जिहड़ी जिम्मेवारी है शहर दे विच दित्ती गई है। तो मैनू बड़ी खुशी हुई है कि यह बहुत ही मेहनत कश परिवार दे विचों है, तो सारिया ने कौंसल साहबान ने बैठ के जिहड़ा है यूनाइटेड तौर पर जिहड़ा एक डिसीजन लिया। सारे मैनू कहा कि एक नौजवान नू सानू जिम्मेवारी देनी चाहिए, इस नौजवान नू क्योंकि बड़े मेहनत कश परिवार दे विचों है, इस शहर की हर समस्या का पता है। तो मैनू पूर्ण यकीन आ कि इस शहर के विकास के लिए बहुत वड्डा काम जिहड़े हन वो कराएगा। मेरी मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब नाल बड़ी वड्डी गल हुई है। इस शहर के विच तुसीं देखिया भी है कि पिछे पटियाला विखे जदों आए सी राजपुरा के लिए उन्होंने खुल के जिहड़ी गलबात की है, चाहे वह इस शहर के डिवेलपमेंट की गल होवे, चाहे वह बनूड़ दे अते राजपुरे दे विच जिहड़ी एक जापानी सिटी लियान की गल होवे, बनूड़ दे अंदर साडी बनूड़ कैनाल जिहड़ी राजपुरा घनौर दे साडे लगभग 80 पिंडां नूं पानी लगदा 60,000 एकड़ नूं, उहदे लई उहदी कंप्लीशन दे लई 40 करोड़ रुपया दित्ता, ते इक बनूड़ विखे जिहड़ी हैगी आ वर्ल्ड क्लास जिहड़ी यूनिवर्सिटी दे वास्ते भी उन्होंने अनाउंसमेंट कीती आ। इह शहर दा जिहड़ा है बहुत जिहड़ा विकास असीं रल के मैं ते मदन लाल जी दोए जणे असीं करावांगे, ते मूहरे जिहड़ा है अमनदीप नूं लाया, मैनूं पूर्ण यकीन आ कि यह शहर का बहुत नौजवान बहुत वधिया विकास जिहड़ा शहर का हो कराएगा। उप प्रधान चुने जाने के बाद अमनदीप सिंह नागी ने News89 से बात करते हुए कहा कि जो MLA साहब ने मैनू जो जिम्मेवारी सौंपी है उहदा मैं बहुत धन्यवाद करदा, ते मैं विश्वास दवाना इन्हां नूं कि पूरे वार्ड च पूरे शहर च बहुत वधिया तरीके नाल काम होणगे, बिना करप्शन तो काम होणगे। जिवें पहले करप्शन बारे आपां सुणदे हुंदे सी उह चीज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी, बहुत ईमानदारी नाल काम करांगे इन्हां दी रहनुमाई हेठ। बैठक में अपनी हाजिरी लगवाने के बाद आजाद पार्षद जगदीश कुमार जग्गावा उनकी पत्नी रंजना वर्मा उक्त बैठक को बाईकाट करने के बाद जब नगर कौंसिल के दफ्तर से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने News89 की टीम से बात करते हुए कहा कि बस असीं बाईकाट कीता, मैं ते मेरी वाइफ ने रंजना वर्मा ने। की गल होई है? बस कांग्रेस ने पंजाब सरकार जिहड़े वादे कीते सीगे ओह पंजाब नूं पूरे नहीं कीते,
केंद्र बीजेपी की सरकार है, इन्होंने कोई आम आदमी का कोई चंगा सोचा नहीं है, इस करके असि दोवां ने बायकॉट किया। इस मौके पर भाजपा के तीन पार्षदों का नगर कौंसिल की बैठक में ना आने पर भाजपा के जिला प्रधान श्री नरेंद्र नागपाल ने सरदार हरजीत सिंह गरेवाल की हाजिरी में तीन भाजपा पार्षदों पार्षद शांति सपरा, पार्षद विपन कुमार व महिला पार्षद बलविंदर को भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित करते हुए पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आज कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सीगा, जिदे च साडे सारे अंशां नूं उत्थे मौजूद रहने वास्ते कहा गया सीगा कि सरकार भावें होवे जां ना होवे असीं सरकार दा डट के मुकाबला करना और सारे एमसीआं उत्ते हाजिर हैं, जिन्हां चों जिहड़े साडे 3 MC हैगे हैं वह गैर हाजिर रहे ने। इस करके जिहड़ा पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी नाल औखे टाइम च नहीं खड़ता असी उस कार्यकर्ता नूं किसी भी कीमत ते बर्दाश्त नहीं करांगे। किहड़े किहड़े MC सर? इस करके शांति सपरा, विपन और राम सर उन्होंने जी वाइफ है हरविंदर कौर बलविंदर कौर, इन्हों तिना असी पार्टी चो बाहर कर रहे। तिने समय वास्ते कितने सर? इन्होंने पार्टी चो 6 साल वास्ते बाहर कर रहे। ये जिहड़ा इन्होंने पार्टी का डिसिप्लिन भंग किया है, असी किसी भी ऐसे कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करा जो पार्टी के खिलाफ जाए। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, News 89। सब्सक्राइब करें News 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।